यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं पहले थीम के बारे में, तो ये आपको पूरा आइकॉन राउंड शेप में मिलने वाला है, वन प्लस वाला पूरा ये थीम आपको मिलने वाला है। उसके अलावा यहाँ पे सेटिंग की बात करें तो सेटिंग में भी पूरा इंटरफेस वन प्लस का ही यूआई पूरा मिलने वाला है, पूरा वन प्लस जैसा ही आपको यहाँ पे थीम देखने को मिलता है। अबाउट फ़ोन की बात करें, अबाउट फ़ोन पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो अबाउट फ़ोन में भी आपको वन प्लस जैसा ही लुक पूरा मिलेगा। उसके अलावा यहाँ पे फोल्डर में मैं आपको दिखा देता हूँ, फोल्डर पे जैसे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आइकॉन आपको यहाँ पे भी पूरा राउंड शेप में मिलेगा, तो जितने भी आइकॉन है वो आपको राउंड में मिल जाते हैं। कंट्रोल पैनल आप देख सकते हैं, यहाँ पे कंट्रोल पैनल आपको काफ़ी अच्छा मिलेगा, यहाँ पे किसी पे भी क्लिक करते तो कलर चेंज होता है और ब्लर इफेक्ट आपको कंट्रोल पैनल में मिल जाता है। उसके अलावा यहाँ पे बात करते हैं लॉक स्क्रीन की, अगर मैं इसको लॉक करता हूँ तो लॉक करने बाद आप देख सकते हैं इस प्रकार का इंटरफेस यहाँ पे मिलने वाला है और फिंगरप्रिंट आपको मिलेगा। अगर यहाँ पे फिंगरप्रिंट पे जैसे क्लिक करते हैं तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे वर्क करता है। तो दोस्तों अगर आप यहाँ पे फेस अनलॉक यूज़ करते हैं तो इस फिंगरप्रिंट को आप यहाँ पे यूज़ करके किसी को भी यहाँ पे इम्प्रेस कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप यहाँ पे थीम स्टोर में ऑक्सीजन 11 स्टेबल सर्च करते हैं तो ये थीम आपको देखने को मिल जाएगा, तो इसको आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड थीम की बात करें तो यहाँ पे जो सेकेंड थीम मिलेगा इसका आइकॉन पूरा राउंड शेप में मिल जाएगा, काफ़ी कलरफुल यहाँ पे आपको आइकॉन देखने को मिल जाता है और ये पूरा कलरफुल आपको वन प्लस का यूआई में ही मिलने वाला है। उसके अलावा यहाँ पे बात करते हैं वॉलपेपर की, तो यहाँ पे देख सकते हैं डबल टैप आपको मिलेगा राइट और लेफ्ट में, तो अगर यहाँ पे डबल टैप पे जैसे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे वॉलपेपर आपका चेंज हो जाएगा और इधर में क्लिक कीजिएगा तो वापस आपका यहाँ पे वॉलपेपर आ जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे बात करते हैं कंट्रोल पैनल की, तो कंट्रोल पैनल देख सकते हैं ब्लैक और रेड में आपको कंट्रोल पैनल देखने को मिलेगा, वो भी वन प्लस वाला ही मिलेगा, काफ़ी अच्छा यहाँ पे कंट्रोल पैनल मिल जाता है, किसी पे भी क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे कलर भी चेंज होता है। अब यहाँ पे बात करते हैं सेटिंग, तो सेटिंग कैसा देखने को मिलेगा, अगर मैं यहाँ पे सेटिंग पे क्लिक करता तो सेटिंग पे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो पूरा यूआई है वन प्लस का ही आपको यूआई मिलेगा और आइकॉन भी आपको वन प्लस वाला ही मिल जाएगा, पूरा ये आपको वन प्लस का देखने को मिलेगा। उसके अलावा अबाउट फ़ोन की बात करें, अबाउट फ़ोन में भी आपको वन प्लस जैसा ही पूरा यूआई मिलने वाला है और यहाँ पे देख सकते हैं कलर आपको रेड में देखने को मिलेगा। उसके अलावा बात करते हैं फोल्डर की, अगर आप यहाँ पे फोल्डर पे क्लिक करते हैं तो फोल्डर में भी जितने आइकॉन हैं वो आपको यहाँ पे देख सकते हैं राउंड शेप में मिलेंगे, तो ये पूरा राउंड शेप में आपको जितने भी आइकॉन है देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे लॉक स्क्रीन की बात करें तो लॉक स्क्रीन आपको इस प्रकार का इंटरफेस मिलने वाला है। अब दोस्तों यहाँ पे अगर डबल टैप आप कीजिएगा बीच में तो यहाँ पे आपका क्या है कि म्यूजिक ओपन होगा, देख सकते हैं जैसे मैं डबल टैप करूँगा तो म्यूजिक ओपन हो जाएगा और डबल टैप करूँगा तो ये बाद में क्लोज हो जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे फिंगरप्रिंट है, अगर फिंगरप्रिंट यूज़ करते हैं तो ये फिंगरप्रिंट भी काफ़ी अच्छा यहाँ पे वर्क करता है। बात करें थीम की, तो थीम स्टोर में आपको जो ये थीम देखने को मिलेगा इसका नाम है साइबरपंक 2077 12.5, तो इस थीम को आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा हो कमेंट करके जरूर बताएं, चैनल को हो सके सब्सक्राइब लाइक और शेयर जरूर।